नमस्कार, एमआर शेफ टिप में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं फ्राई अरबी रेसिपी। हमें काफी सारे लोगों ने बोला, शेफ आप कुछ अरबी की रेसिपी डालिए, लोग बहुत पसंद करते हैं अरबी खाना फ्राई। इसीलिए आज हम आपके सामने फ्राई अरबी की रेसिपी लेके आए हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं फ्राई अरबी रेसिपी बनाना। हमने 1 किलो अरबी लिया है। इन सभी अरबी को अच्छी तरह से हम छील लेंगे। इसको इस तरीके से अच्छी तरह छील लेंगे, छिलका जरा भी ना रहे, बिल्कुल साफ छीलना। हमने अरबी को यहाँ पे अच्छी तरह से छील के इसको धो के एक सूखे कपड़े से साफ कर लिया है, ताकि अरबी हमारी गीली ना रहे। और इसको हम फ्राई करेंगे। उससे पहले हम इसको लंबे साइज में काट लेंगे इस तरीके से। सभी अरबी को काट लेते हैं हम। हम एक बड़े बर्तन में इसको डाल लेते हैं, कटी हुई अरबी को, और इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐसे छिड़क देंगे और इसको हल्का हल्का ऐसे कर देंगे। कॉर्नफ्लोर लगाने से हमारे अरबी क्रिस्पी हो जाएंगे और चिपचिपा नहीं होंगे। हम अरबी को फ्राई करने के लिए सरसों का तेल का इस्तेमाल करेंगे। गर्म हो चुका है, इसमें हम अरबी डाल देते हैं। देखिए अरबी हमारी सभी अलग अलग है। कॉर्नफ्लोर लगाने से हमारी अरबी चिपकती नहीं है और फ्राई बढ़िया तरीके से हो जाती है, अलग अलग बिल्कुल। देखिए हमारी सभी अरबी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको छान लेते हैं और सभी को निकाल लेंगे। चलिए अब तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। इसको हम लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे। हमने यहाँ 2 टमाटर लिए थे बड़े, टमाटर की कटिंग, 2 बड़े प्याज, इसको भी हम लंबे लंबे स्लाइस कटिंग कर लेंगे। इसको भी अब हम लहसुन को चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक। अदरक को भी हम बारीक बारीक चॉप काट लेते हैं।
लहसुन अदरक चॉप हो गया बारीक बारीक, 2 से 3 हरी मिर्च इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं, बड़े कड़छी तेल, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, कटे हुए लंबे स्लाइस में प्याज, इसी में लहसुन और अदरक बारीक कटा हुआ, इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, मसाले को ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारे प्रॉपर ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर स्लाइस कटे हुए डाल देंगे, उसी में हम हरी मिर्च बारीक कटे हुए, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच देगी लाल मिर्च, एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार आप कम ज्यादा ले सकते हैं, एक चम्मच किचन किंग, ये मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, अब तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। हमने जो फ्राई किए हुए अरबी थे इसी में हम डाल देंगे, हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसी में, अरबी बनके हमारी रेडी है, अब हम इसे गरम गरम सर्व कर लेते हैं। ये हमारी अरबी फ्राई बनके रेडी है, वाह कितनी अच्छी खुशबू है और कितना अच्छा कलर भी आ रहा है, आप भी घर में ट्राई करें, हमें कमेंट में जरूर बताएं हमारी फ्राई अरबी कैसी लगी। ऊपर से हम धनिया से गार्निशिंग कर लेते हैं।